हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम इसके एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के बारे में आपको क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए इसमें मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत की बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पहुंच चुके हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 17 और इसमें हम जो लेक्चर रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाख बख्श, यानी कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे लाख बख्श कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत कैसे बनता है? तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है। मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। इसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय से मोहम्मद गौरी जीत जाता है और दिल्ली सल्तनत के गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त कर देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहां से दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट इसके राजा यानी कि सुल्तान बनते हैं। तो डी तो है इसका करेक्ट आंसर। और यहां से क्या होता है? स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। स्लेव यानी कि ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहां से स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट होता है जो कि दिल्ली सल्तनत में चलने वाला है। कब से कब तक? 1206 से ये चलेगा 1290। दिल्ली सल्तनत ये टोटल चलेगी। अब इसमें स्लेव डायनेस्टी तो ये चलेगी जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक करता है और सुल्तान की पदवी ले लेता है। और 1206 से ये 1210 तक रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और वह गौरी का गुलाम था। साथ ही में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने अपना राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में 24 जून को किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर रखी थी? तो ये भी पूछा जाता है राजधानी कहां पर थी। लाहौर से ही ये राज्य कर रहा था। दिल्ली नहीं आया था, लाहौर से ही इसने अपना राज्य किया था। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक है इसने कुतुब मीनार का भी स्टार्ट करवाया था और इसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में इसको क्या बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। और जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक था और इसका सहायक सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो पहला शासक कौन था? यही था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट करता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है और ये जो होता है लाहौर से राजधानी कहां पर ट्रांसफर करता है? दिल्ली में। तो ये भी पूछा जाता है फर्स्ट दिल्ली सुल्तान कौन था जिसने की कैपिटल दिल्ली को रखा था? तो इल्तुतमिश। और रियल फाउंडर इसी को माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये तो गुलाम था, स्लेव था। तो उसी के चलते फर्स्ट जो दिल्ली का रियल फाउंडर माना जाता है, दिल्ली का रियल सुल्तान माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सुल्तान्स बिल्ड द फिफ्थ स्टोरीज ऑफ कुतुब मीनार, यानी कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कुतुब मीनार का पांचवा भवन बनवाया था? तो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले हमने बात की स्लेव डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी वंश चला और थर्ड नंबर पर आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जिसके की फाउंडर कौन माने जाते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद इसको फॉलो करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिसने की कुतुब मीनार का पांचवा मंजिला जो कि तैयार कराया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में जो फिरोज शाह तुगलक है ये कौन है? ब्रदर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनके ब्रदर माने जाते हैं। और इन्होंने जौनपुर किंगडम, हिसार और फतेहाबाद इनका
बनाया है, टाउन्स को बनाया है, और साथ ही में इनका बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्या माना जाता है, इरिगेशन कैनल इन्होंने तैयार करवाए हैं। इरिगेशन इरिगेशन कैनल कहां पर? इन दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा। तो इतना कुछ इनसे भी रिलेटेड याद है। साथ ही मैंने इन्हें एस्टेब्लिश किया था दीवाने खैरात, तो ये भी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी। तो पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये कैसे बनती हैं? इल्तुतमिश राज कर रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद कौन आते हैं? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और जो चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, पर वह एक अयोग्य शासक था और इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। साथ ही में शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर जो तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया, और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम थी जिसने शासक की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। तो इस तरह पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। हमने बात की थी जो रजिया सुल्तान है, सी हैड ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ एन एवर रूलर एक्सेप्ट द सी वाज अ वुमन, यानी कि इनमें रूलर बनने की सारी योग्यता थी, बस एक ही कमी थी कि ये महिला थी। तो इस कारण इनके विरुद्ध विद्रोही भी होते हैं और आगे चलकर इनको हटा दिया जाता है। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉइंस ऑफ विच मुस्लिम रूलर बीन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी, यानी कि किन मुस्लिम शासकों की छवि देवी लक्ष्मी की थी, यानी कि जो कॉइन चलाए थे उस पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनाई गई थी। तो जो मोहम्मद गौरी था, इसने जो कॉइन चलाए थे उस पर देवी लक्ष्मी की छवि बनाई गई थी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अबॉलिश्ड इक्ता सिस्टम, यानी कि इक्ता प्रणाली को किसने समाप्त किया। तो अब दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। दिल्ली सल्तनत में क्या होता है, लास्ट जो डायनेस्टी आती है वो आती है लोधी डायनेस्टी। अब जो 1526 में क्या होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये इंपॉर्टेंट है, कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है कब? 1526 में, और किस किस के बीच हुई थी ये? तो किस किस के बीच हुई है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? बाबर तो जीता है, उसको हम पहले लिखते हैं, बाबर इसमें वन हुआ था, जीता था, और ये हुई थी इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम के लोधी के बीच में, जिसमें कि इब्राहिम लोधी इसमें हार जाता है और दिल्ली सल्तनत की हाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है मुगल एम्पायर का यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि 1526 से स्टार्ट होगा मुगल शासन और ये चलेगा 1707 तक। तो अब इक्ता प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो बाबर ने इसको समाप्त किया था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय इलियट एज द अकबर ऑफ सल्तनत, यानी कि इलियट ने किसे सल्तनत का अकबर कहा है। तो हमने बात की थी इल्तुतमिश के बाद रजिया आई थी सल्तनत में, और रजिया का क्या हो जाता है, डाकियों को द्वारा इसकी मृत्यु कर दी जाती है, और बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई, और बहरम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह कब बना? 1242 ईस्वी में बना।
उसके बाद बलवन ने क्या करता है, बलवन आता है और बलवन ने षड्यंत्र द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। और जो जो नसरुद्दीन महमूद था, ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, यानी कि ये जो सुल्तान था इनके चीजों का उपयोग नहीं करता था, खुद अपनी टोपी सीकर इसका जो डेली लाइफ होती थी उसको चलाता था। साथ ही में बलवन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था और बलवन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का ही दास था, गुलाम था। तुर्कान चहलगनी का विनाश बलवन ने किया। जो 14 तुर्किश नोवल आया था, चहलगनी स्टार्ट किया जाया गया था, उसको इसने विनाश कर दिया गया। इनको कहा जाता था चहलगनी, इनको किंग मेकर भी कहा जाता था, यानी कि जो किंग राजा ये सुल्तान बनाते थे इनको किंग मेकर कहा जाता था चहलगनी को। तो इसको ये विनाश कर देता है इसका। और बलवन क्या करता है, खुद 1266 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में ग्यासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। साथ ही में एक त्योहार का नाम पूछा जाता है, तो ये भी बलवन ने स्टार्ट कराया। बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, ये क्वेश्चन अभी भी बनता है, नवरोज त्योहार, तो ये बलवन ने ही स्टार्ट करवाया था इस उत्सव को। और साथ ही में बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जिनको बोला जाता है अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये रहते थे। तो इतना कुछ बलवन से रिलेटेड याद रखना है। इलियट ने इसे सल्तनत का अकबर भी कहा था बलवन को। तो टी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत, यानी कि सल्तनत का पहला वास्तविक राजा कौन था। तो पहला वास्तविक राजा था इल्तुतमिश, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो एक दास था, तो इसको गवर्नर अपॉइंट करके चला गया था मोहम्मद गौरी। और उसके बाद पहला दहली सल्तनत का पहला रियल किंग बनता है इल्तुतमिश। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ तराइन 1891 AD वाज फॉर बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड, यानी कि तराइन की लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ी गई थी। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये लड़ी गई थी। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में कौन मोहम्मद गौरी हार जाता है, पर जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है उसमें पृथ्वीराज चौहान को ये हरा देता है। और ओनली ऑन ओनली किसकी वजह से, बैटल स्ट्रेटर्जी की वजह से। पहले क्या होते थे, जो राजपूत होते थे उनमें एकता होती थी, तो इस कारण ये हरा नहीं पाया था मोहम्मद गौरी। पर आपसी मतभेदों के वजह से इनमें एकता खत्म हुई और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई, यानी कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो कैसे हुई हमने बात की है, चौगान यानी कि पोलो खेलते समय उनके घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान यानी कि पोलो। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें।